महानगर स्थित तो बर्ड घाट श्री श्री रामलीला कमेटी के रामलीला स्थल का प्रदेश की योगी सरकार द्वारा 4,87,00,000 की लागत से जीर्णोद्धार किया गया है। गौरतलब है कि बर्ड घाट रामलीला का 159 वर्ष का पुराना इतिहास है। आजादी के पहले से ही यहां पर रामलीला का मंचन होता रहा है। नवरात्र में दुर्गा विसर्जन के दिन यहां पर रावण दहन का भव्य मेला लगता है। बर्ड घाट रामलीला मैदान का सुंदरीकरण के दौरान दीवारों पर प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर वन यात्रा, राम रावण युद्ध सहित अयोध्या वापसी तक के चित्रों का सजीव चित्रण किया गया है। इसके अलावा रामलीला मैदान के बाहरी दीवारों पर प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को भी दर्शाया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंदिरों और रामलीला स्थलों का सुंदरीकरण करने का कार्य किया है। इसके तहत बर्ड घाट रामलीला को नया स्वरूप दिया गया है। यहाँ पर अब रामलीला मैदान में रामलीला मंचन के बाद खाली समय में गरीब लड़कियों के शादी के लिए भी व्यवस्था की गई है। फिलहाल बर्ड घाट रामलीला मैदान अब एक नए स्वरूप में नजर आ रहा है और 3 अक्टूबर से यहाँ पर अयोध्या से आए अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन शुरू होगा। इसके संबंध में श्री श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष पंकज गोयल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया और रामलीला मैदान के सुंदरीकरण पर प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि बर्ड घाट रामलीला मैदान नए स्वरूप में नजर आ रहा है और अब लोगों को बेहतर सुविधा के साथ रामलीला देखने को मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्री श्री रामलीला कमेटी बर्ड घाट के अध्यक्ष पंकज गोयल ने कहा, पंकज गोयल अध्यक्ष रामलीला कमेटी बर्ड घाट रामलीला मैदान की स्थापना तो काफ़ी पहले की है। हम लोग को जो जानकारी उस हिसाब से हम लोगों का ये कार्यक्रम इस बार 159वां वर्ष मना रहा है। रामलीला मैदान का ऐतिहासिक महत्व क्या है? देखिए, भगवान के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ वो जगह है और कहीं ना कहीं भगवान के सारे कार्यक्रम मानवता को समेटने के लिए है, अपनी चीज़ों को समझाने के लिए है और हम लोग मंचन के माध्यम से अपने हिंदू समाज को जगाने का काम, अपने बच्चों को उस चीज़ों से जोड़ने का काम करते हैं। अभी तक कितने वहाँ रामलीला हो चुके हैं? रामलीला बता तो रहा हूँ मैं कि ये 159वां वर्ष है, यानी कि ये आज़ादी से पहले से रामलीला चलते आ रही है जो निरंतर अभी तक चल रही है। और इस बार तो मैं कहना चाहूँगा कि इस बार का रामलीला हमारे को वहाँ बहुत ही ऐतिहासिक है। एक तो हमारे पूजनीय महाराज जी ने उसको जीर्णोद्धार करा दिया है, जो एक सुंदरता उभर के सामने आई है। और दूसरा, इस बार जो रामलीला हो रही है वो अयोध्या के कलाकारों द्वारा हो रही है, वो भी विदेशों में 11 जगह कार्यक्रम करके आए हैं। यूँ कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कलाकारों द्वारा इस बार रामलीला हो रही है और ये अपने आप में अनोखा रामलीला होगा, क्योंकि जितने भी कलाकार आए हैं उसमें 80% कलाकार बाल रूप में हैं जो स्वयं ही संबोधन करेंगे। कलाकारों की संख्या कितनी है? 27 कलाकार हैं हमारे पास। सुंदरीकरण में कितना बजट आया? सुंदरीकरण में लगभग 4,87,00,000 रुपये आया है और हम लोग महाराज जी के कार्यों से, महाराज जी के विचारों से बड़े खुश हैं। आप देख भी सकते हैं कि हमारे रामलीला की किताब में हम लोगों ने महाराज जी को बधाई भी दिया है कि ऐसा मुख्यमंत्री बारंबार प्रदेश को मिले, ताकि अपनी चीज़ों को जो आज ख़त्म होने के कगार पे थी, आज फिर
हम लोगों के बीच में जागृत है।